हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए करना व्लॉग। सो अभी मैं स्कॉर्पियो एन के अंदर बैठा हुआ हूं, जैसे कि आपसे प्रॉमिस करा। हालांकि मैं बहुत लेट हूं, मगर स्कॉर्पियो एन की सारी फंक्शनैलिटी पे मुझे वीडियो बनाने थे, ताकि जो लोग आप गाड़ी खरीदने वाले हो उन लोगों को कुछ भी जानने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आइए सीधे के सीधे चलते हैं गाड़ी के सारे फंक्शंस और बटन के बारे में जानने के लिए, जो भी इस गाड़ी के अंदर हैं सारे के सारे बटन्स के बारे में। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं गाड़ी के अंदर इधर वाले बटन से। सो कोने पर जो ये है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए। यहाँ पर XUV700 जैसा का जैसा कंसोल है, जिसके अंदर आपको अगर ORVM फोल्ड या अनफोल्ड करने है उसके लिए स्विच आ गया। उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पर पावर विंडो के स्विच आ गए। सेम टाइम ये जो जॉयस्टिक है, इसको राइट और लेफ्ट मूव करके आप ये वाले जो है इसको शीशे को एडजस्ट कर सकते हो। ये जो आपकी पावर विंडोज़ है, इसी के साथ में यहाँ पर दो बटन और है गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए। और पीछे वाले जो बच्चे अगर बैठे हुए हों तो सनरूफ जो विंडोज़ हैं उनको एक्सेस ना कर पाएँ। कोने में यहाँ पर हमारे पास में हो गया ट्रंक को ओपन करने के लिए, बूट को ओपन करने के लिए बटन। उसी के साथ में यहाँ पे अगर आप पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करना चाहते हो उसके लिए बटन, साथ में हेडलाइट लेवलाइजर जिससे आप लाइट हेडलाइट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। कोने पर ये वाला जो बटन है, इससे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम गए और हमने इसको पुश करा और हमने गाड़ी ऑन कर ली। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले दो बटन है, पहला रेडियो को ट्यून करने के लिए। सेम टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे बटन है, जैसे कि म्यूज़िक चलाने के लिए डेडिकेटेड, साथ में कॉल उठाने के लिए या फ़ोन कॉल के लिए होम वाला बटन है। होम बटन के पास में यहाँ पर बैक जाने के लिए हो गया, अगर आपको डायरेक्ट सेटिंग्स में जाना हो इसलिए, और उसके साथ में फेवरेट का बटन। अगर आप नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ AC के सारे कंट्रोल्स आ गए, क्योंकि ये गाड़ी टॉप वेरिएंट है। तो इसके अंदर हमारे पास में डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल है, जिसके अंदर अगर मुझको यहाँ से मैं अगर डुअल कर रखा है तो इधर का देखो टेम्परेचर अपने हिसाब से चेंज हो रहा है और इधर वाला अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, दोनों अपने अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं। फ्रंट और रियर डिफॉगर आ गए, साथ में यहाँ पर फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। अगर मुझको AC ऑटो में रखना है तो ऑटो यहाँ से रख सकते हैं। अगर एयर सर्कुलेशन अंदर चाहिए तो इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो एयर सर्कुलेशन ये देखो अंदर के अंदर रह रहा है। अगर मुझे AC ऑफ करना है तो यहाँ से टैप कर दूंगा। अगर मुझे गाड़ी में एकदम से बैठना है तो मैं मैक्स AC कर दूंगा ताकि तूफानी हवा आने लग जाए। साथ में AC मोड्स को आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर भी इंफोटेनमेंट भी जाके AC को चेंज कर सकते हो। साथ में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी मोड चेंज कर सकते हो कि आपको किस जगह के ऊपर हवा खानी है। साथ में नीचे की तरफ हमारे पास बेसिक सारे स्विचेज आ गए, जैसे SOS कैमरा को ऑन करने के लिए। ये जो है ये हो गया हमारे पास में कि अगर मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो बटन है वो आ गया। हैजर्ड लाइट आ गई बीच के अंदर, और उसके साथ के अंदर इधर की तरफ अगर मुझे ट्रैक्शन ऑफ करना है इसके लिए, हिल डिसेंट जो है कंट्रोल, मतलब अगर मैं हिल से नीचे उतर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे अगर कंट्रोल चाहिए उसके लिए। और क्योंकि ये वाली जो गाड़ी, इसमें हमको मिल गए ड्राइव मोड्स जहाँ से जिप जैप जूम हम चेंज कर सकते हैं। सो ये वाले सारे के सारे बटन इधर की तरफ आ गए। ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर दो हमारे पास और बटन आ गए, जिससे कि हम लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बीच में हमारे पास में पावर जो सनरूफ है इसके लिए हमारे पास बटन आ गया ये वाला, आई होप आपको अच्छी तरह दिख रहा हूँ। और ये वाली जो जगह है, यहाँ से आप सन जो भी ग्लास है आपका वो भी रख सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर जो सनशेड्स हैं वो वाले आ गए, और इधर वाले सनशेड के नीचे की तरफ हमारे पास एक लाइट भी है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ जैसे यहाँ से, तो ये वाली जो है वैनिटी जो सनशेड है उसके लिए आपको एक लाइट भी मिल जाती है। सो इस प्रकार से कुछ दिखती है हमारी जो फ्रंट के अंदर सारे के सारे जो बटन है वो। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिशन है, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो PRN और D, इसके ऊपर अलग से व्लॉग होगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि इसके सारी की सारी चीज़ें क्या है। अगर मेरा फ़ोन वायरलेस होता तो मैं यहाँ पे रख देता ताकि वो मेरा फ़ोन अपने आप चार्ज हो जाता। गरीब फ़ोन, ये वायरलेसली चार्ज नहीं होता है। नीचे की तरफ हमारे पास में दो पोर्ट मिल जाते हैं, एक फ़ोन चार्ज करने के लिए और एक USB, देख रहे हो, आई होप आपको अच्छी तरह दिख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे जितने स्विचेज हैं वो कुछ इस प्रकार है। ये हमारे पास में मैनुअल हैंड ब्रेक हो गया। सो इस गाड़ी के अंदर ये सारे के सारे बटनों के बारे में हमने बात कर ली। आने वाले व्लॉग्स में हम और खूब सारी बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं।